हेलो फ्रेंड्स दिस इज मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचर अब्दुल्ला आज के लिए हमारा क्वेश्चन है अ मीटर स्टेक इज सपोर्टेड बाय अ नाइफ एज एट द 50 सेंटीमीटर मार्क और इफ हंग मास आप 0.4 किलोग्राम एंड 0.6 किलोग्राम फ्रॉम द 20 सेंटीमीटर एंड एंटी सेंटीमीटर मार्क्स रिस्पेक्चुअली वीअर शुड आर इफ हंग थर्ड मास जीरो पॉइंट थ्री किलोग्राम टू कीप द स्टेक एक बैलेंस्ड तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे अब यहाँ पर टोटल लेंथ जो हमें दिया गया है राट का वो 100 सेंटीमीटर है क्योंकि एक मास 20 सेंटीमीटर पर अटे एच है दूसरा मास 80 सेंटीमीटर पर है और इसको बैलेंस किया गया है नाइफ के एच के ऊपर फिफ्टी सेंटीमीटर पर तो टोटल लेंथ कितना हो गया स्टेक का जी सेंटीमीटर अब देखिए डायग्राम हम किस तरह बनाएंगे 20 सेंटीमीटर पर एक मास अटैच है कौन सा मास अटैच है जी 20 सेंटीमीटर पर 0.4 पॉइंट और दूसरा मास अटैच है 0.6 पॉइंट पर तो सबसे पहले हम इस मासिस को चेंज करेंगे जी किस चीज़ में न्यूटन में किस तरह चेंज करेंगे यहाँ पर हमें पता है कि टार्क बराबर है आर क्रॉस एफ के और एफ बराबर है डब्ल्यू इज इक्ल टू एम जी की क्योंकि मास दिया गया है किलोग्राम में ठीक है और हमने इनको चेंज करना है न्यूटन में तो देखिए ये मास कितना है जीरो पॉइंट सिक्स किलोग्राम है तो एप बराबर है डब्ल्यूल टू एम जी की तो जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई नाइन पॉइंट एट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर तो ये इक्वल हो जाएगा फाइव पॉइंट एट एट न्यूटन इस तरह ये मास इक्वल हो जाएगा थ्री पॉइंट नाइन टू न्यूटन के अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर है और इस मास की यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितने है 30 सेंटीमीटर है इसको चेंज करें मीटर में 100 पे डिवाइड करेंगे 0.3 मीटर बन जाएगा इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है जी 30 सेंटीमीटर है ये भी 0.3 मीटर बन जाएगा अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम तर्ड मास या आरब तर्ड मास कहाँ पर अटैच करें कि ये जो राड है ये एक्विलेब्रियम में आ जाए तो सबसे पहले हमने मालूम करना है कि हम इस मास को इस नाइव एच के लेफ्ट साइड पे अटैच करें या राइट साइड पे अटैच करेंगे ठीक है तो यह मालूम करने के लिए हम टार्क को मालूम करेंगे क्लाक वाइज़ टार्क मालूम करेंगे और एंटी क्लाक वाइज़ टार्क मालूम करेंगे और फिर मालूम करेंगे कि हमारे पास नेट टार्क कौन से डायरेक्शन में क्लाक वाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में अगर नेट टार्क क्लाक वाइज डायरेक्शन में हुआ तो हम मास को इस साइड पर अटैच करेंगे अगर नेट टार्क एंटी क्लाक वाइज़ डायरेक्शन में हुआ तो हम मास को इस साइड पर अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद ये देखेंगे कि हम कौन से डिस्टेंस पे इस मास को अटैच करें चलो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो देखें सबसे पहले हम मालूम करेंगे क्लाक वाइज टार्क की तो इस मास की वजह से क्लाक वाइज टार्क प्रोड्यूस होता है ठीक हो गया तो देखें ये बराबर है आर क्रॉस एफ के यहाँ पर आर कितना है जीरो पॉइंट थ्री मीटर है ठीक हो गया एफ कितना है फाइव पॉइंट एट एट न्यूटन तो ये इक्वल हो जाएगा 1.674 न्यूटन मीटर अब हम एंटी टी क्लाक मालूम करेंगे टा एंटी. ठीक हो गया आर क्रॉस एफ तो यहाँ पर अगर देखें तो आर कितना है 0.3 मीटर ठीक हो गया मल्टीप्लाइड बाय एफ कितना है 3.92 न्यूटन ठीक हो गया अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टार्क कितना आएगा एंटी क्लाक वाइज टार कितना आएगा वन पॉइंट वन सेवन सिक्स न्यूटन मीटर अब ये क्लाक वाइज टार्क है और ये एंटी क्लाक वाइज टार्क है तो कौन सा टार्क ज़्यादा है क्लाक वाइज टार्क ज़्यादा है एंटी क्लाक वाइज टार्क से ठीक है तो ये राइट किस तरह रोटेट करेगा जी क्लाक वाइज रोटेट करेगा तो अब हम नेट टार्क मालूम करेंगे तो नेट टार्क बराबर आ जाएगा नेट इज़ इक्वल टू क्लाक वाइज टार्क माइनस एंटी क्लाक वाई तो इक्वल हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स सेवन फोर माइनस वन पॉइंट वन सेवन सिक्स इन दोनों को क्या करेंगे जी सब्ट्रैक करेंगे तो नेट टार्क कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव एट एट न्यूटन अब देखो ये नेट टार्क है लेकिन ये नेट क्लॉकवाइज टार्क है टा सी है ठीक हो गया अब देखिए ये रॉड तब बैलेंस होगा जब हमारे पास नेट क्लाक वाइज टार्क बराबर आ जाए नेट एंटी क्लाक वाइज टार्क देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम नेट टार्क मालूम करेंगे कि कौन से डायरेक्शन में ये रॉड रोटेट हो रहा है तो क्लाक वाइज डायरेक्शन में ये रॉड रोटेट हो रहा है ठीक है अब हम यहाँ पर राइट साइड में इस मास को अटैच करेंगे 0.30 किलोग्राम वाले मास को इस साइड पर अटैच करेंगे ताकि इस क्लाक वाई स्टार को बैलेंस किया जाए किस तरह बैलेंस किया जाएगा यह एक एंटी क्लाक वाई स्टार प्रोड्यूस करेगा ये वाला मास अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि इस मास को कौन सी डिस्टेंस पे इस 15 सेंटीमीटर से अटैच करें ताकि इस टार को बैलेंस किया जाए अब हम वो डिस्टेंस मालूम करेंगे देखिए तो बैलेंस कंडीशन कौन सा आ गया जी बैलेंस कंडीशन ये आ गया कि क्लाक वाइज देखिए नेट क्लाक वाइज टार बराबर हो जाएगा नेट एंटी क्लाक वाइज टार ठीक हो गया जब ये नेट क्लॉर्क व स्टार बराबर आ जाए नेट एंटी क्लाक व स्टार के तो फिर ये रैड क्या होगा जी बैलेंस होगा अब देखिए नेट स्टार कितना है जी जीरो पॉइंट फाइव एट एट न्यूटन मीटर है सारे यहाँ पर मीटर लगाएं ठीक है अब हमने असल में क्या मालूम करना है डिस्टेंस मालूम करनी है कि कौन से डिस्टेंस पर इस मास को अटैच करें इस रॉड के साथ अब देखें यहाँ पर टार किस चीज़ के बराबर है आर क्रॉस एफ़ के बराबर है ठीक हो गया एफ़ नेट के बराबर है और यहाँ पर मास कितना दिया गया है मास यहाँ पर दिया गया है ज़ीरो पॉइंट थ्री जीरो किलोग्राम तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे न्यूटन में तो डब्ल्यू इज़ इक्ल टू एम जी ठीक हो गया अब देखें ये बराबर हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट थ्री मल्टीप्लाइड बाई नाइन पॉइंट एट तो ये इक्वल आ जाएगा टू पॉइंट नाइन फोर न्यूटन की अब इस एफ की जगह हम क्या पुट करेंगे इसको पुट करेंगे अब आर हमने मालूम करना है तो आर की वैल्यू तो नहीं है मल्टीप्लाइड बाई 2.94 न्यूटन अब देखो इस आर को हमने मालूम करना है तो दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ पे जी 2.94 न्यूटन पे तो इस साइड को भी 2.94 न्यूटन पे डिवाइड करेंगे और इस साइड को भी 2.94 न्यूटन पे डिवाइड करेंगे ठीक हो गया ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा जीरो पॉइंट टू मीटर आर इज़ एक टू ज़ीरो पॉइंट टू मीटर और आर इज़ एक टू अगर इसको हम टू पॉइंट टू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इक्वल हो जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक हो गया तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हैंग अ तर्ड मास ऑफ जीरो पॉइंट थ्री जीरो किलोग्राम टू कीप बैलेंस ठीक है तो कहाँ पर अटैच करना है जी ट्वेंटी सेंटीमीटर पर यहाँ से हम हिसाब लगाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है टेन सेंटीमीटर है फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है टेन सेंटीमीटर है तो टोटल कितना हो गया ट्वेंटी सेंटीमीटर तो तर्ड मास हम कहाँ पर अटैच करेंगे यहाँ पर अटैच करेंगे जब हम यहाँ पर अटैच करेंगे तो यहाँ जो एंटी क्लाक वाइज स्टार प्रोड्यूस होते हैं ठीक हो गया और यहाँ जो क्लाक वाइज स्टार प्रोड्यूस होते हैं ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा ठीक है एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करेगा और ये राड एकविलेवरीम में आ जाएगा सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए 20 सेंटीमीटर अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज में मसला हो तो अपने एमसीक्यूज को कमेंट कीजिएगा इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन मिलेगा थैंक यू